इस वीडियो में हम सीड एक्ट 1966, सीड बिल 1968 और सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 के बारे में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार रितेश और आप देख रहे हैं रितेश इजी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में जो सीड क्वालिटी है वो हमारी कंट्रोल की जाती है सीड एक्ट 1966 के द्वारा, सीड रूल 1968 और सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे हमारा न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट जो कि हमारी बनी फॉर्मुलेट हुई 1988 में, वो हमारे सीड को कंट्रोल करती है। तब वो बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल है, चाहे वो इंपोर्ट करके आ रहा हो या डोमेस्टिक से हो, वो फार्मर तक पहुँचाती है, ठीक है। उसके बाद प्लांट फ्रूट एंड सीड ऑर्डर जो कि पास हुआ 1989 में, वो हमारे सीड क्वालिटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है, इम्प्रूव करता है, जो कि इम्पोर्ट को भी रेगुलेट करता है। विच वॉज रिप्लेस बाई प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003, जो हमारा सीड प्लांट फ्रूट एंड सीड ऑर्डर था जो कि 1989 में पास किया गया था इम्पोर्ट को रेगुलेट करने के लिए, वो हमारा लेटर इसमें चेंज कर दिया गया प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 में, ठीक है, इसके द्वारा रिप्लेस किया गया। तो ये कुछ एक्ट और ऑर्डर थे जो कि हमारी सीड क्वालिटी को इंडिया में कंट्रोल करते हैं। अब हम सभी के बारे में सीड एक्ट 1966, सीड रूल 1968 और सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि कौन कैसा है, कैसे ये कंट्रोल करते हैं। तो पहले देखते हैं सीड एक्ट 1966, ठीक है। तो सीड एक्ट 1966 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पार्लियामेंट में 29 दिसंबर 1966 को पास किया गया। मीन्स इनैक्ट किस दिन हुआ, तो 29 दिसंबर 1966, ये डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनता है। अब ये इम्प्लीमेंट हुआ मीन्स पूरे भारत में जिस दिन से ये लागू हुआ वो हमारा क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1969, ठीक है। पास किस दिन हुआ मीन्स इनैक्ट किस दिन हुआ और किस दिन से ये पूरे भारत में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया, तो दोनों डेट आपको याद रखनी है। 2 अक्टूबर 1969 को ये क्या किया, इम्प्लीमेंट किया गया पूरे भारत में। इस सीट एक्ट के अंदर 25 सेक्शंस हैं, ठीक है, और 11 पार्ट्स हैं। उन 11 पार्ट्स के अंदर 39 रूल्स हैं, ठीक है, कितने हैं, 39 रूल। जब हम सीड रूल पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर 11 पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के अंदर 39 रूल्स हैं। तो कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं 25, वो हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम ये सभी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो एक्ट था वो मेनली हमारे सीड क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए पास किया गया था, क्योंकि इससे पहले क्या था, सीड हमारी बहुत पुअर क्वालिटी की आती थी, फार्मर तक बहुत ख़राब क्वालिटी की सीड पहुंचती थी। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, ताकि फार्मर तक अच्छा प्लांटिंग मटेरियल पहुंच सके, तो सीड एक्ट 1966 पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इस एक्ट के अंदर जो लेबलिंग थी, सीड की लेबलिंग थी, वो कंपलसरी कर दी गई, और जो सीड सर्टिफिकेशन था वो हमारा वॉलंट्री है। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सीड एक्ट 1966 है उसके अंदर जो लेबलिंग है वो क्या है, कंपलसरी है, ठीक है, याद रखना है, और जो सर्टिफिकेशन है वो हमारा कैसा है, वॉलंट्री है, उसके अंदर कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इट इज़ अप्लीकेबल टू नोटिफाइड वेराइटीज़, जो हमारा सीड एक्ट होगा वो किस वेराइटीज़ पर मिस किस सीड पर लागू होगा, तो जो भी हमारी नोटिफाइड वेराइटीज़ हैं, ठीक है, उन पर ये लागू होगा। अब वो नोटिफाइड वेराइटीज़ हमारी चाहे फॉडर की हो, फूड की हो, या हमारी फाइबर सीड हो, ठीक, तो जितनी भी सीड की वेराइटी जो कि वही नोटिफाइड है उनके ऊपर ये सीड एक्ट लागू होता है। इस सीड एक्ट में कुछ चेंजेस बाद में किए गए, मीन्स कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, तो वो अमेंडमेंट्स किए गए 9 सितंबर 1972 के। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सीड एक्ट 1966 में अमेंडमेंट कब किया गया, तो ईयर याद रखना है 1972, ठीक है, डेट क्या है, 9 सितंबर 1972 में अमेंडमेंट्स किए गए। अब वो कौन कौन से अमेंडमेंट्स किए गए, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं जनरली, तो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो अमेंडमेंट किया गया वो हमारा सेक्शन 2 में किया गया, ठीक है। पहला अमेंडमेंट कब किया गया, पहला अमेंडमेंट किस में किया, सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में क्या है, डिफिनेशंस है, ठीक है, पहले सेक्शन मतलब 1, 2, 3 जो भी सेक्शन 25 सेक्शन है, 1 to 25 सेक्शन है, उसमें जो सेक्शन सेकेंड है उसमें अमेंडमेंट किया गया। तो सेक्शन सेकेंड में क्या डिफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है, सेक्शन सेकेंड में क्या है डिफिनेशन मेंशन है, उसमें उससे पहले 1972 से पहले जो जूट सीट थी वो इंक्लूड नहीं थी इसमें 1972 से पहले। तो 1972 में जो अमेंडमेंट हुआ वहाँ पर हम इसमें जूट सीट को इंक्लूड किए, ठीक है, जो भी हमारी जूट सीट हैं उनको सेक्शन सेकेंड में इंक्लूड किया गया। उसके बाद सेक्शन 8 में, ठीक है, सेक्शन 8 में हमारा अमेंडमेंट किया गया। इस सेक्शन में कुछ नए सब सेक्शन ऐड किए गए जो कि थे 8A, ठीक है, 8A से लेकर 8E तक, मीन्स यहाँ पर टोटल 5 सब सेक्शन बनाए गए सेक्शन 8 के अंदर। सेक्शन 8 में क्या है, सर्टिफिकेशन एजेंसी है, ठीक है, तो उसके अंदर भी
कुछ सब सेक्शन, जैसे हमारा 8A, तो पहले देखते हैं 8 सब सेक्शन 8A में क्या है। तो 8A में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि बोर्ड को इस्टेब्लिश करेगी, जिसे हम लोग कहेंगे सेंट्रल सीट सर्टिफिकेशन बोर्ड। क्या कहेंगे? सेंट्रल सीट सर्टिफिकेशन बोर्ड। ठीक है, ये हमारा मेंशन किस में है? सेक्शन 8A में। और सेक्शन 8B में क्या मेंशन है कि जो बोर्ड है वो हमारी सब कमेटी को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, अगर बोर्ड को लगता है कि हमारी जो प्रोसीडिंग है वो सही नहीं चल रही है, तो वो हमारी जो बोर्ड है वो सब कमेटी को अपॉइंट कर सकती है प्रोसीडिंग अच्छे से चलने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 8B में मेंशन है। देन उसके बाद सेक्शन 8C, वहाँ पर क्या है कि अगर नो प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड बे बिकम इनवैलिड। ठीक है, बोर्ड की कोई भी प्रोसीडिंग जो होगी वो इनवैलिड नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा किस में मेंशन है? सेक्शन 8C में। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है कौन किस में मेंशन है, लेकिन मेनली आपको याद रखना है 1972 में अमेंडमेंट किया गया, जहाँ पर सेक्शन 2 में जूट सीट को इंक्लूड किया गया। मेनली आपका इंपॉर्टेंट ये है कि जूट सीट को इंक्लूड किया गया। ठीक है, उसके बाद 8D में देख लेते हैं। 8D में क्या चेंज क्या लिखा हुआ है? 8D में लिखा हुआ है कि अगर जो हमारी सेंट्रल सीट सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो कुछ रूल्स बनाती है, ठीक है, वो कुछ रूल्स बनाती है खुद को रेगुलेट करने के लिए, खुद को आगे काम करने के लिए, तो उसको सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी रूल्स बनाने के लिए, अगर वो खुद के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। देन उसके बाद 8E में मेंशन है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमारा सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी, जो भी हमारा टेक्निकल स्टाफ रहेगा या अब हमारा जो नॉन टेक्निकल स्टाफ रहेगा उसको वो अपॉइंट करेगी। ठीक है, जो भी हमारा सेक्रेटरी हो गया, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ है, वो हमारा सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी। ये हमारा मेंशन है सेक्शन 8E के अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे जो भी हमारे अमेंडमेंट्स हुए। देन उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 9 में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अमेंडमेंट, इसलिए उसको बता नहीं रहे हैं। और नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ वो हमारा सेक्शन 25 में हुआ। तो टोटल हमारे 4 सेक्शन अमेंडमेंट हुए हैं, सेक्शन 2 में, सेक्शन 8 में, सेक्शन 9 में और सेक्शन 25 में। ठीक है, तो ये थे अमेंडमेंट्स। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सीड रूल। ठीक है, तो सीड रूल, तो सीड रूल वॉज नोटिफाइड इन सितंबर 1968। ठीक है, ये हमारा नोटिफाइड कब किया गया? तो सितंबर 1968। ये भी हमारा किसके अंदर आता? सीड एक्ट के अंदर ही आता, सीड एक्ट 1966 के अंदर आता। ठीक है, तो ये हमारा नोटिफाइड कब हुआ? तो हुआ 1968 सितंबर में। ठीक है, उसके बाद इंप्लीमेंट कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1969 को, जैसे हमारा सीड एक्ट इंप्लीमेंट हुआ पूरे भारत में 2 अक्टूबर 1969 को, तो ये भी उसी दिन सीड एक्ट जैसे हमारा इंप्लीमेंट हुआ, तो ये भी हमारा इंप्लीमेंट किया गया 2 अक्टूबर 1969 को। इसके अंदर हमारे 11 पार्ट्स हैं और उन 11 पार्ट में कितने हैं? 39 रूल्स हैं। ठीक है, सेक्शन कितने हैं? 25। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सीड एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस हैं, तो 25 सेक्शन हैं। और रूल्स कितने हैं सीड रूल में? तो 39 रूल्स हैं। पार्ट्स कितने हैं? तो 11 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये यहाँ से ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव यहीं से आपका बनेगा। ठीक है, इसमें हमारे जैसे वहाँ पर अमेंडमेंट्स किए गए, यहाँ पर हमारे 3 अमेंडमेंट्स किए गए। ठीक है, पहला 1973 में किया गया, दूसरा 1974 में और तीसरा 1981 में। टोटल हमारे 3 अमेंडमेंट्स किए गए। इसमें आपका जो 1981 वाला है और 1974 वाला है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। यहाँ पर क्या हुआ एक बार देख लेते हैं, क्या चेंजेस किए गए। तो जो 1981 वाला अमेंडमेंट्स है, 1981 वाला अमेंडमेंट्स है, वहाँ पर जो है सेंट्रल सीट कमेटी, ठीक है, जो हमारी सेंट्रल सीट कमेटी है वो एक मैनुअल पब्लिश करती है। उस मैनुअल को हम लोग कहते क्या है? ब्लू बुक। ये आप चीज़ आप याद रखिएगा, उस मैनुअल को क्या कहते हैं? ब्लू बुक। ठीक है, वो सेंट्रल सीट कमेटी हमारी एक मैनुअल को पब्लिश करती है, उस मैनुअल को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू बुक। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, उस मैनुअल को कहते हैं ब्लू बुक। वहाँ पर उस मैनुअल में जो इंडियन मिनिमम सीट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन मिनिमम सीट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड को इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो 1981 में क्या किया गया? इंडियन मिनिमम सीट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड को, जो कि एक मैनुअल पब्लिश की जाती है सेंट्रल सीट कमेटी द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू बुक, वहाँ पर इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 1974, ठीक है, 1974 में भी
अमेंडमेंट किया गया, वहाँ पर जो पावर ऑफ इंस्पेक्टर हैं ठीक है उसको इंक्रीज कर दिया गया। वैसे हमारा मेंशन किस में है तो सेक्शन 14 सीड एक्ट सेक्शन 14 में हमारे जो पावर ऑफ इंस्पेक्टर है वो मेंशन है ठीक है। तो 1974 में चेंजेस किए गए जहाँ पर पावर ऑफ इंस्पेक्टर को इंक्रीज कर दिया गया ठीक है। अब वो पावर क्या थी, पहले जो नॉर्मल पावर थी वो हम जब सेक्शन पढ़ेंगे सभी 25 सेक्शंस पढ़ेंगे जब रूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देख लेंगे कि क्या क्या पावर है सीड इंस्पेक्टर की ठीक है। तो यहाँ पर पावर क्या इंक्रीज की गई कि अगर जो हमारा फार्मर है वो हमारा कंप्लेन लॉन्च करता है क्रॉप फेलियर की और उसको लगता है जो सीड इंस्पेक्टर है अगर वो चेक करता है और पाता है कि जो हमारा क्रॉप फेलियर है वो हमारा बैड सीड क्वालिटी की वजह से है, किसकी वजह से, बैड सीड क्वालिटी की वजह से है ठीक है। जो हमारा क्रॉप फेलियर हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, बैड सीड क्वालिटी, जो हमारी सीड क्वालिटी थी वो ख़राब थी इसकी वजह से हमारा क्रॉप फेल हो गया, तो वो जो सीड इंस्पेक्टर है वो हमारा जो सीड सप्लायर होगा, एक मिनट ठीक है, तो उसको लगता है तो जो हमारा सीड सप्लायर होगा ठीक है कौन होगा, सीड सप्लायर उसके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च कर सकता है ठीक है। तो यह था यहाँ पर पावर जो है सीड इंस्पेक्टर की वो इंक्रीज कर दी गई। इसके बाद देखते हैं सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 ठीक है। सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 में क्या है कि अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास एन ऑर्डर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये भी आपको याद रखना है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर हमारा गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जो ऑर्डर को हम लोग कहते हैं सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 ठीक है। अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास एन ऑर्डर विच इज कॉल्ड एज सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 ठीक है, जो कि हमारा इट एक्सटेंड होल ओवर द इंडिया पूरे भारत में वो लागू किया गया और केम इन टू फोर्स मतलब उस किस दिन से वो लागू किया गया पूरे भारत में तो 30 दिसंबर 1983 ठीक है। तो बस इतने आपको इतना ही याद रखना है कि सीड की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए ठीक है, ताकि हमारी जो बैड क्वालिटी सीड ना फार्मर तक पहुँचे उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 एक ऑर्डर पास किया जिसको हम लोग कहते हैं सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983। ये फोर्स में कब आया तो 30 दिसंबर 1983 से ये फोर्स में आ गया ठीक है। तो ये थे हमारे एक्ट्स और ऑर्डर थे जो कि हमारे गवर्नमेंट ने पास किए सीड की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।